अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वो जिहादी हैं, तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए। हमारा देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है। अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध गूगल पे ढूंढिए। यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान से, कुरान पाक को आयत को बदलवाएंगे। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये अफजल गुरु की जमानत, वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है, और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति। आप अभी गूगल पे ढूंढिए अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध, गूगल पे ढूंढिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान से लिंक की बात की आपने। देखिए, ये एक बहुत वैसा मैटर वो है, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आप सर्च करिए ना। आप सर्च करेंगे तो आपको सच का पता चलेगा कि कितने वैज्ञानिकों की हत्या हुई जब अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था और डीआरडीओ का चीफ था। कितने हिंदू वैज्ञानिक मारे गए और उनकी क्या कैसे कैसे मारे गए, जब ये आप सर्च करेंगे ना, तब आपको बहुत सारी ऐसी सच्चाई पता चलेंगी जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता। देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, और इतिहास में पहला बार होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री फांसी पर चढ़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वो जिहादी हैं, तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए। हर घर में जिहादी पैदा होना चाहिए। यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान से, कुरान पाक को आयत को बदलवाएंगे। अरे वो वीसी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वीसी ने क्या किया, बोले कि अजान से हमको दिक्कत है, तो एक काम कीजिए, रेल चलता है, रेल के पटरी पर लोगों को घर है, रेल के हॉर्न से भी परेशानी है, क्या रेल को बंद करवा सकती है आप? ना उसी को होगा जो हराम का खाएगा। हम लोग मेहनत के खाने वाले हैं, हमको कोरोना नहीं हो सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। 300 से ज्यादा हमारा देश का अन्नदाता किसान कुर्बानी इसलिए नहीं दिया है कि इस लड़ाई को आधे रास्ते में छोड़कर हम चले जाएंगे। उनका शहीद का कुर्बानी का अपमान हो जाएगा जो जिन्होंने इस बॉर्डर पर कुर्बानी दिया है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सरकार को झुका के जाएंगे, अपना हक और अधिकार लेकर जाएंगे। सरकार नहीं देगी तो हम छीन कर लेंगे, क्योंकि ये कानून हमारे लिए जहर का प्याला है, फांसी का फंदा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुमको अडानी और अंबानी से ज्यादा प्यार है, प्यार करो, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि देश में हमारा जो कृषि मंत्री है, वो उसको खेती के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, और जो देश का गृह मंत्री है, उसको गृह मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, देश का प्रधानमंत्री उसको देश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए देश के आम नागरिकों का ये लोग दर्द नहीं समझ रहे। दर्द समझते तो किसान अपने आप घर होता, बॉर्डर पर नहीं होता। ये लोग को पता तब चलेगा जब देश की जनता वोट के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री बनाया है, वोट के माध्यम से चोट पहुंचाएगी और भारतीय जनता पार्टी 303 से 0 पे आएगी, तब इसका अहंकार टूट जाएगा। तब पता चलेगा इन लोगों को कि जनता में क्या ताकत होती है। तुमने क्या सोच रहा है, एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो या भंगी का संतान हो, सबका वोट का अधिकार एक है। चाहे मैं हूं या मुकेश अंबानी हो, एक वोट का जितना कीमत मुकेश अंबानी का है, मेरा भी है, तो ये भेदभाव क्यों?
या अमीरों के साथ भेदभाव क्यों, गरीबों के साथ भेदभाव क्यों? गरीब के लिए अलग, बच्चों के पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है, गरीब के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। ये देश में दोहरी नीति नहीं चल सकती है। ये सरकार बोलती है एक सरकार एक मंडी एक नियत। अरे भाई एक नियत कैसी है तुम्हारी? तुम अमीरों के लिए तो अलग सोचते हो, गरीबों के लिए अलग सोचते हो। मुकेश अंबानी के घर में पोता पैदा होता है तो चले जाते हो, किसान से मिलने नहीं आते हो। कैसे एक मंडी एक नियत होगी तुम्हारी? तुम्हारी नियत और नीति दोनों में खोट है, इसलिए ये सरकार को हम नहीं मानेंगे। देखिए एक बात बताते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, और इतिहास में पहला बार होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री फांसी पर चढ़ेगा। जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमारा देश का जवान 44 शहीद हो जाता है, वही पाकिस्तानी ने हमला करता है तो हमारा देश का जवान शहीद हो जाता है, उसी को आप कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। मोदी जी आपको पाकिस्तान से प्यार इतना क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से प्यार नहीं है क्या? आप देश के नागरिकों से प्यार नहीं है? तो मगर मोदी जी आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो हिंदुस्तान छोड़कर आप पाकिस्तान चले जाइए। आप एक बताइए ना, ताज होटल पर मुंबई में अटैक हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी था, आज उससे हाथ मिला रहे हैं आप? हमारा देश को जब भी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान पहुंचाया, और आज पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं? क्यों वैक्सीन दे रहे हैं भाई? आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना है, हम इंची लेकर टेप तो नापे नहीं है कि 56 इंच का है कि नहीं, लेकिन इतना पता है कि ऊपर से ये मोदी खाली है, हमारा देश का प्रधानमंत्री ऊपर से खाली है। वही काम कर रहा है जो देश के आम नागरिकों को हानि पहुंच रहा है, वही कानून ला रहा है जो देश के हित में नहीं हो, देश के आम नागरिकों में नहीं हो। आप बताइए ना, SC ST कानून का संशोधन किया उस समय लोगों को परेशान किया, NRC लाया उस समय लोगों को परेशान किया, कृषि कानून लाकर अभी परेशान कर रहा है, रेल बेचकर देश के युवा को परेशान कर रहा है, देश में कानून लाकर ऐसी बिहार में देश में तमाम जगहों पर ऐसी कानून ला रहा है जो संविधानिक असंविधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। संविधान को लोकतंत्र को ताक पर रखकर ये लोग कानून ला रहे हैं, नोटबंदी कर दिया, देश का आज क्या हालत है आप बताइए ना, देश कहां जा रहा है भाई? इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा और ये सरकार को भगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये लोग देश को भी बेचने का काम करेंगे।